Hi friends, I'm your host Gaurav Soopti and welcome to our channel Home Gram. So after a long break, we are making a video. So MR आया और गया कब पता भी नहीं चला. Almost अगर EOIs की बात करें 4257 more than 4200 EOIs accept की है. हम बात कर रहे हैं सिर्फ 424 यूनिट के अगेंस्ट. सो इतना बड़ा वॉल्यूम आया जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया. अब बचे हुए जितने कस्टमर्स हैं 3833 कस्टमर्स हैं जिन्हें यूनिट नहीं मिलेगी उनका क्या. तो आज हम उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं. आज बात करेंगे एक ऐसे लिस्टेड कंपनी की जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रही है. पूरे वीडियो तक बने रहिएगा क्योंकि एक पूरा ड्राइव थ्रू लेकर चलूँगा, आसपास का एरिया बताऊँगा, आसपास के एरिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या रेट चल रहा है, और लास्ट में उस लोकेशन पे जाएंगे और एक बर्ड वाई व्यू से देखेंगे क्या प्रोजेक्ट आने वाला है. बिलीव मी गाइस, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट अल्ट्रा लग्जूरियस प्रॉपर्टी ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. सो शुरू करते हैं गाइस. सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें, सबसे रीसेंट न्यूज जो आई वो ये है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपका जो है दोबारा रीवैम्प उसका डिजाइन शुरू हो रहा है. सो जिसमें आपके वाटिका चौक से लेके NH8 तक के 3 फ्लाईओवर्स पे दोबारा रीडिस्कशन हो रही है. सो हम एग्जैक्टली अभी हैं जिस जंक्शन पे, वहाँ आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आप सीधा पहला लेफ्ट मुड़ते हैं आते ही गोल्फ कोर्स रोड से, जहाँ पे आपको ये सिग्नेचर बिल्डिंग दिख जाती है जो कि IREO की है. तो IREO अगर आज प्लेस्ड होता तो ये सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ होती. IREO हयात रेजिडेंसीज, हमारे सामने पूरा का पूरा प्रोजेकट है जो कि ऑलमोस्ट 29 एकड़ का लैंड पार्सल था. इसके साथ अगर हम बात करें, नीचे आप देख रहे हैं ग्रैंड व्यू हाई स्ट्रीट है. तो ग्रैंड वी हाई स्ट्रीट में आज आपको ब्लाजियो मिल जाता है. इसके अलावा अगर आप देखो रोमियो लेन मिल जाता है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पार्टी प्लेस ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. तो ये स्ट्रीट की ना इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है. एक तो पार्टी प्लेस तो बन नहीं रही है, साथ साथ ब्रांड्स अभी हम बात करेंगे लाइक टाटा, बिरला, स्मार्ट वर्ल्ड, इसके अलावा अनंतराज और भी बहुत सारी चीज़ें पूरी के साथ साथ लाइंड अप है. सो दिस स्ट्रीट इज एक्चुअली बिकमिंग वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज. तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो अगला प्रोजेक्ट आ जाता है कॉन्सिएट हाइंस. सो ये 7.78 एकड़ में प्रोजेक्ट है, सेक्टर 59 लोकेशन पड़ती है. सो 3 BHK का साइज 2095 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 3395 स्क्वायर फीट तक चला जाता है. 17,500 रुपये के आसपास की आज के टाइम पे रीसेलिंग है. सो कैन यू इमेजिन इस रोड पे आज ये रेट पहुंच चुका है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का. वेरी गुड कंस्ट्रक्शन. इसके आगे एक ये टावर है एस्कॉट IREO सिटी, लगभग 330 यूनिट्स हैं. स्टूडियो अपार्टमेंट से अगर IREO होता तो आज ही ऑपरेशनल होता मुझे लगता है. ये एक तरह से अ स्मॉल बुटीक होटल की तरह चलता, बट सम हाउ दिस टावर इज स्टैंड अलोन एंड इट इज़ नॉट वर्किंग. देन देर इज अ प्रोजेकट कॉल्ड स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्किड. तो 25 एकड़ के लैंड पार्सल पे दीनदयाल जनवास योजना के फ्लोर्स लेकर आए और सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है. मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में यहाँ पे आपको 2,000 से 3,000 लोग जो है शिफ्ट होते हुए मिलेंगे. सो यहाँ पे जो है ठीक ठाक एप्रिसिएशन लोगों ने कमाया है. 10,000 रुपये के रेट पे लॉन्च हुआ था, आज 13,000-14,000 रुपये पे रीसेलिंग होती है. छोटे फ्लोर साइज है 2.5-3.5 BHK. सामने छोटी एक हाई स्ट्रीट मार्केट है. सो कंसिडरेबली लोकेशन बहुत अच्छी है. तो छोटे टिकट साइज में जिन लोगों को 2.5 और 3.5 BHK के फ्लोर चाहिए थे उसके हिसाब से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है. सो आगे इस रोड पे चलते हैं. इस रोड की अगर हम बात करेंगे तो एक छोटी पार्टी प्लेस आ जाती है विच इज़ वेयर एल्स. सो कॉर्पोरेट हब सारे आपको यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे पूरे के पूरे आपको मिलेंगे. इसके अलावा इस रोड की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये रोड आपकी जो है एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 59 है, फिर आपका सेक्टर 62 और आगे जाते हुए 63A आया था. सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. रीज़न क्या है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बहुत क्लोज है सेक्टर 56-57 मेट्रो स्टेशन से. हार्डली वी आर नॉट इवन 1.5-2 किलोमीटर फार. सो जिन लोगों को मेट्रो स्टेशन के पास या गोल्फ कोर्स रोड के पास अपनी रेजिडेंस चाहिए उन लोगों के लिए ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का गेटवे है. सो ये रोड की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा लोगों की आती है. आगे हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे टाटा रेजीना आता है, 11.7 एकड़ का लैंड पार्सल जिसमें 326 यूनिट है. 1705 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 5953 स्क्वायर फीट तक के साइजेस चले जाते हैं. टाटा और रहेजा का मेरे ख्याल से ये लास्ट
जो है कहीं ना कहीं टाई अप था। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे पूरी अरावली दायत है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ 2022, 10.5 एकड़ लैंड पार्सल, 3 और 4 BHK के साइजेस आए थे, 2250 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 2750 स्क्वायर फीट के साइजेस से 16,500 रुपये के आसपास पिछले साल सेल हुआ था। आज मुझे लगता है फेज़ टू ये 18,000-18,500 रुपये लाइन में। आगे चलते हैं, आगे जो आप ये टावर देख रहे हैं, ये टावर है कैपिटल साइबर स्पेस का। सो 59 लोकेशन पड़ती है, इसमें आपको टेक महिंद्रा का ऑफिस मिल जाता है, स्नैपडील का ऑफिस मिल जाता है, ज़िबिया का ऑफिस मिल जाता है। सो एक अच्छा कॉर्पोरेट हब आपको इस टावर के नीचे मंडे टू फ्राइडे मिल जाता है और फुली ऑपरेशनल है। सो दिस शोज दैट पीपल हु आर वर्किंग हेयर, उन्होंने ही आसपास कहीं ना कहीं रेजिडेंस में पैसा लगाया हुआ है। फिर ये जो एरिया सारा हम देख रहे हैं, ये इस एरिया में एक बहुत बड़ा डेवलपर है जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसका नाम अनंतराज है। 200 एकड़ का लैंड पार्सल है, 200 एकड़ में से अगर हम बात करें, मेजर इन्होंने अपना जो है लैंड पार्सल बिरला को दिया हुआ है। बिरला नव्या आपके जो है सबसे पहले फ्लोर आए थे, तो बिरला ने अपनी स्टार्टिंग गुड़गांव में जो है यहीं से की। तो बिरला नव्या की अगर हम बात करें, पांच पॉकेट है, पांच पॉकेट में आपका दृशा 1 और 2 है, मोडा 1 और 2 है, और इसके बाद अनाइका आ जाती है। सो डिफरेंट कैटेगरीज में स्कैटर्ड है ये फ्लोर्स। तो आपको यहाँ पे फ्लोर्स जो है लगभग 2.5 करोड़ से शुरू होकर और इट गोज अप टू 5 CR। तो बड़े अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है बिरला। पहले लो FAR के थे, अब जो नए फ्लोर्स बना रहा है वो भी जो है डिपेंडिंग ऑन टिकट साइज, थोड़ा सा टिकट साइज फ्लोर्स के हिसाब से ज़्यादा है, स्टिल दे आर डूइंग कंसिडरेबली गुड वर्क। तो आगे चलते हैं गाइस, अब वो लोकेशन आने वाली है जिस प्रोजेक्ट की आप वेट कर रहे हैं। सो द लोकेशन इज सेक्टर 63A। सो 63A में एक प्रोजेक्ट आ रहा है विच विल चेंज द कोर्स ऑफ अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी ऑन दिस रोड। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। आपके सामने ये पूरा लैंड पार्सल आया था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लैंड पार्सल इज इसकी ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे आप जो पीछे बैक साइड में पूरी ग्रीनरी देख रहे हैं, इट इज अरावलीज। सो हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज हैविंग अ वेरी गुड अरावली व्यू। आस पास कंस्ट्रक्शन आनी नहीं है। इसके अलावा जो आपकी एक रोड जा रही है जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सीधा सोना के लिए निकल रही है, वो इस प्रोजेक्ट को टच करके जा रही है। सो गाइज, वी आर ऑन साइट। 4.83 एकड़ का लैंड पार्सल है, इट इज सराउंडेड बाय अरावली। सो हाफ ऑफ द साइड यू कैन सी दैट होल ग्रीन पैच इज देयर, ये सारी की सारी अरावली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, और पूरा लाइफ टाइम ये रहेगा। इसके अलावा द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लोकेशन इज ऑन द बैक साइड ऑफ दिस होल 4.83 एकड़ यू हैव अ रोड विच इज कनेक्टिंग यू डायरेक्टली टू सोना। सो ये पास हो चुकी है, बनने में टाइम जरूर लगेगा, बट किसको एडॉग मिलेगा, इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट विच इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के हमने देखा है पिछले ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल में प्रोजेक्ट आता है और क्वेरीज इतनी ज़्यादा, इतनी ह्यूज वॉल्यूम में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो डोंट मिस आउट। तो आपको बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़, वी आर नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास सारी की सारी अपडेट्स आए। सो लिस्टेड कंपनी अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिसमें आपको टोटल 250 यूनिट्स मिलती हैं, हार्डली देर आर 45 यूनिट्स पर एकड़। सो इट इज़ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, पोडियम लेवल डेवलप किया जा रहा है, 40,000 स्क्वायर फीट के 4 लेवल क्लब हाउस है। यू गेट ऑल द बेस्ट टू बेस्ट अमेनिटीज इन दिस क्लब हाउस। यू गेट टेम्परेचर कंट्रोल पूल, यू गेट जॉगिंग ट्रैक, यू गेट साइकिलिंग ट्रैक, यू गेट पेट पार्क एंड एंडलेस मोर अमेनिटीज आर देयर। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, सो साइज स्टार्ट फ्रॉम 3800 स्क्वायर फीट। सो यू हैव अ ह्यूज 3 BHK अलॉन्ग विद दिन एरिया। देन यू हैव अ पूजा रूम, सर्वेंट रूम, और इसके अलावा अगर आप इसका डेक एरिया देखेंगे, यू हैव अ डेक एरिया ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से 11 फिट वाइड। वैसे ही 4 BHK का साइज शुरू होता है 4800 स्क्वायर फीट से। देर इज आइकॉनिक टावर विद देयर बिल्डिंग। तो 4 BHK में आपको मिल जाता है एडिशनल डिन एरिया, यू हैव अ प्राइवेट फॉयर एरिया, यू हैव अ प्राइवेट लिफ्ट लॉबी, देन यू हैव अ 11 फिट ऑफ डेक। सो थिंक ऑफ 11 फिट ऑफ डेक, और अगर मैं आपको बोलूँ कि 70 फिट रनिंग रैप अराउंड बेल्कनी है। सो ये प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कहीं नहीं मिलने वाला। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मास्टर बेडरूम में आपको जकूजी मिलेगा, फुली मॉडलर किचन है, इटालियन मार्बल है, VRV AC है,
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आर्किटेक्ट तक डिज़ाइन कर लिया इन्होंने. सो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट गैरी ग्रीन्स इज द आर्किटेक्ट जिसने W होटल, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लीला होटल, ट्रम्प टावर्स, ऑल दीज वर डिज़ाइंड बाय गैरी ग्रीन. सो वेरी बिग नेम इज ऑल्सो इन्फ्यूज. सो लिस्टेड कंपनी ग्रुप लॉन्च इज देयर, बहुत लिमिटेड लॉन्चेज आते हैं. आपने देख लिया MR में, जहाँ पे हमने देखा कि 424 यूनिट्स के लिए 4257 EOIs आई हैं. ऑलमोस्ट 3800 लोगों को यूनिट ही नहीं मिलेगी. सो नाउ यू कैन इमेजिन ये 250 यूनिट्स का क्या हाल होने वाला है. तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, इफ़ यू आर एग्रेसिवली लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ टोटली एक्सक्लूसिव, तो #63A लिखकर आप नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर दीजिए. आर टीम विल शेयर द डिटेल्स ऑन वन ऑन वन मीटिंग. सो आप नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर दीजिए #63A. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल. आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी मिलती है बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहता है. सो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.